जी सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीओ सब दई होना जी सहाय दसां पातशाहियां दी जोत आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदारियां दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी श्री वाहिगुरु जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई तेग बहाई दे के अंढड़ कीता दिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलना जी श्री वाहिगुरु जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चीरे गई गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी सरकेसां स्वासां संघ निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलना जी श्री वाहिगुरु जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलना जी श्री वाहिगुरु जी प्रथमे सरबत खालसा जी को अरदास सरबत खालसा जी को वाहिगुरु चित आवै चित अवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु जी सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब दिशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरु जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत कर राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख पंधे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान सतगुरु नताणियां दे तान सतगुरु न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीओ धन धन गद्दी ते बिराजमान चवर छत्र तख्त दे मालक हाजरा हजूर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीदो सिंह तुदे आगे अरदास हमारी जीओ पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा पातशाह जी महाराज आप जी दे चरना कमला पास अरदास जोजड़ी बेनती पातशाह जूहो महाराज आप जी दे फरमान हां लख खुशियां पात शाइयां जे सतगुरु नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां वाकां अनुसार पातशाह जूहो महाराज जो हर साल दी तरह पातशाह जूहो महाराज देसां विदेसां दी संगत वल्लों पातशाह जीओ कोटला भागू दी समूह संगत वल्लों पातशाह जूहो महाराज शहीदां सिंघां दे अस्थानां उपर पातशाह जूहो महाराज जीओ शहीदां सिंघां वल्लों खुशियां लैण वास्ते पातशाह जूहो महाराज हर साल दी तरह परिवारां वल्लों अपनियां किरत कमाईयां नूं सफला करदे पातशाह जी घर दी सुख शांति वास्ते परिवारां दी चढ़दी कला वास्ते पातशाह जूहो महाराज शरीरां दीआं तंदरुस्तियां वास्ते देसां विदेसां विच कारोबार दी तरक्की वास्ते पातशाह जूहो महाराज जो सारी समूह संगत वल्लों पातशाह जी महाराज शहीदां सिंघां दे अस्थानां उपर अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए जाते हैं पातशाह जी महाराज इस बार भी आप जी ने कृपा की है तरस किया दया की मालक जीओ सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ पर पाई दे मां वाक अनुसार पातशाह जीओ इस बार भी आप जी ने समूह संगत नूं अपने दर घर की सेवा बख्शी है पातशाह जीओ आप जी दर घर की सेवा करदे हां पातशाह जी महाराज जो कि पहले श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा
ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਚੰਨਣ ਕੌਰ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੋਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੋਤੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੋਵ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਲੜਕਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚੌਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੇਟੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਮੰਨਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭ ਕੌਰ, ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਲੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ,
ਲੰਮੀ ਆ ਜੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਤਰ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਫਸਲ ਵਾੜੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਭੋ ਕੀਏ ਬੋ ਭੰਜਨ ਵਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਗ ਸਲ ਸੋਚ ਪਿਤਨਾ ਲਾਭ ਭੋਗ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਜੋ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਂ ਜਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਾਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੈਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਭਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਵਾਰੀ ਸਰਬਖ ਛੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਹਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਭਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਵਾਰੀ ਸਰਬਖ ਛੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਦਾਰੀ
नानक दास संत पाछे परे हो राख इहो ए बारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जी और सोठ महला पंजवा प्रभ की सरन सगल पै लाथे दुख पिनसे सुख पाया दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया। प्रभ की सरन सगल पै लाथे दुख पिनसे सुख पाया दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया। प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाउ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल बनासी कर कृपा अपने कर लीना मन वसया अबनासी ता को बिघन न कहु लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलहारे जिन पूरन पैजर खाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू समरत कथ गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सूरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना तर्म न जाना लोभे माया तारी गही बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभे माया तारी नाम परो भक्त गोविंद का ये राखो पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तू मान नी चीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बान राव जैसा बालक पाई सुपाई लक अपराध कमावे कर उपदेश चिड़की बहु पाती बड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लय प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन न पी जय गोविंद हर पावे पैज रखाई अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है हुई दयाल कृपाल प्रभ ठाकर आपे सुने बिनंती पूरा सतगुरु मेल मिलावे अब उतरे मन की चिंती अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है कहने कथन पी जय गोविंद
हर पावे पैज रखाइए अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाइए होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकर आपे सुने बिनंती पूरा सतगुरु मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम यो कद मुख पाया जन नानक सुख बसंती पूरा सतगुरु मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम ओ कदम पाया जन नानक सुख बसंती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तना श्री महला पंजवा चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा की ठाक अब लोकन की नो दास का दुख बेदारियो चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा की ठाक अब लोकन की नो दास का दुख बेदारियो हर जन राखे गुरु गोबिंदा कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बखसंद रहाओ जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी धर्मा दे ठाडे दरबार तुद विण सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्मा जने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यायन सहज समावन संग ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वस है मेरे हियर संग पनीता देही जन की धूर देहो कृपा निद नानक कै सुख ही जन के चरण वस है मेरे हियर संग पनीता देही जन की धूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਤਰਜੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਤੂੰ ਲਏ ਬਡਰਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਕਰ ਦੇਹ ਵਸਾਇਆ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਕਰ ਦੇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਿਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਿਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
हम संतन की रहन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ऊट स्थानी, संत हमारा गहना दे महावाक अनुसार आप जी महापुरखों के स्थान के उपर सलाना जोड़ मिलवे हाजरियां भारे हो। गुरु साहब की बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है। सब तो पहला अपनी अरदासां दीआं हाजरियां सतगुरों के पावन चरणों में लगाओ। कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रह जाए। गज वज के बुलायो जी फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गुरु साहब की बड़ी बख्शिश है, पुन दान जो बीजते सब धर्म राय के जाई दे महावाक अनुसार संत महापुरखों के स्थान पर सालाना जोड़ मिले हाजरियां भरन वास्ते वक् वक् परिवारों वालों जिते श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए सन उत्थे बहुत ही सत्कार जो स्वर्गवास सरदार मोहन सिंह जी उन्हां समूह बाग परिवार, स्वर्गवास सरदार रतन सिंह जी उन्हां समूह बाग परिवार, स्वर्गवास सरदार स्वर्ण सिंह जी उन्हां दा समूह बाग परिवार, स्वर्गवास सरदार दास सिंह जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गवास सरदार दास सिंह जी उन्हां दे परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती है कि रोड के उपर जो अपने इधर नूं रोड होंदा है, राह होंदा है, उस उपर एक नोवा गड्डी खड़ी है, 1600 नंबर है उसका, कृपा करके उसको एक साइड पर किया जाए क्योंकि संगतों के आन वास्ते दिक्कत आ रही है। इस करके आप जी ने बेनती प्रवान करना। खैर मैं बेनती कर रहा सा कि सतगुरों के पावन चरणों में जिथे वक् वक् परिवारों वालों सेवा होंदी है उत्थे गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करने वास्ते, एक गुरु साहिब की बख्शिश प्राप्त करने वास्ते बहुत ही सत्कार जो दूसरा श्री खंड पाठ है सरदार सरबन सिंह जी, माता हरबंस कौर तिना दे सानब सरदार रतन सिंह जी और माता चन्न कौर समूह बाग परिवार वालों श्री खंड पाठ साहब दूसरी सेवा होंदी है। और इस तरह तीसरा श्री अखंड पाठ सरदार जगीर सिंह जी, माता जसविंदर कौर तिना दे बरखुरदार बेटे सरदार हरजिंदर सिंह जी, बीबी रणजीत कौर उन्होंने सारे बाग परिवार वालों सेवा होंदी है। इस तरह श्री अखंड पाठ साहब श्री प्यारा सिंह जी, बीबी गुरमीत कौर उन्होंने सारे बाग परिवार वालों जो कनेडा निवासी हैं उन्होंने वालों सेवा होंदी है। इस तरह श्री सरदार प्यारा सिंह समूह बाग परिवार वालों माता स्वर्ण कौर जी उन्होंने सारे बाग परिवार वालों अखंड पाठ साहब सेवा होंदी है, गिल्लां वाले परिवार वालों, तो सरदार गुरदयाल सिंह जी उन्होंने सपुत्र सरदार सरजीत सिंह जी उन्होंने परिवार वालों सेवा होंदी है। कहन दा भाव है कि सारे ही परिवारों वालों संत महापुरखों के स्थान पर सालाना जोड़ मेले में जिते हाजरी भरी जाती है उत्थे तन मन और धन दे नाल सेवा होंदी है। एक गुरु साहब की कृपा, गुरु साहब की बख्शिश है जो श्री खंड पाठ साहब के भोग आप जी नौवें पातशाह के भोग सलोक सरवण कीते ने, उपरंत अरदास बेनती हुई है आप जी ने अलाही वक् वक् गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी के हुक्मनामे सरवण किए हैं। आप जी सन्मुख दीवान की आरंभता हो रही है जिस अरदास के जथे नूं हुक्म होया परिवार वालों, इन्होंने कुछ समय बाद हस्ती भरनी। उन्होंने तो बाद ज्ञानी करम सिंह जी रंगड़े वाले उन्हों का ढाडी जत्था पहुँच चुका है, उन्होंने सेवा करनी है। सत्कारयोग ज्ञानी हजारा सिंह जी उन्होंने भी सेवा करनी है। जो बीबिया बाबे बकाले वाली पहुँच जाएंगे उन्होंने भी समा देना है। तकरीबन 25 मिनट बाद तुहाडे दर्शन करांगे। उन्हां तो बाद भाई करम सिंह जी उन्हां ढाडी जत्था सिख संगत दर्शन करेगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਤਿਲਕੇ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਦਾਸ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਗਾਤਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਰਦਾ ਦਲਾਰੇ ਚਾਰੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤਜਵੀ ਜਾ ਕਦੇ ਨੇਹੋ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਛੱਡ ਕਾਗਜ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾਂ ਮਾਨ ਗੁਮਾਨ ਇਮਾਨ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦਿਓੜੀ ਦਾ ਕੀ ਧੋਣਾ ਇੱਕ ਧੋ ਲੈ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਧੋਇਆ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਧੋਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਧੋਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮਿਟੋਂ ਦੇ ਰਾ ਕਰੋ ਅਦਾਲਾ
खोलो लगा अकल नू ताला आ जाए समझ गवारा नू लिख नहीं सकते गुणी ज्ञानी तेरे पर उपकार लिख नहीं सकते शायर न माने ओ संसार दुकान दी खान माया कर दी नष्ट ज्ञान नीवे आनकिए बुद्धवान जिसरों उतारो वो जानू जीवन सफल बना बन का तेरे गाइए तेरे आचो जानू जीवन सफल बना बन खातर हो सतगुर दाता दीन दे अल्लाह मेटो अंधेरा करो अजाला खोलो लगा अकल नू ताला आ जाए समझ गवारा नू ओ लिख नहीं सकते गुण ज्ञानी तेरे पर उपकार लिख नहीं सकते शायर न माने ओ संसार दुखां दी खान माया कर दी नष्ट ज्ञान नीवे आनकिए बुद्धवान जिसरों उतारो बोझानू जीवन सफल बना बन का तेरे गाइए तेरे आचो जानू जीवन सफल बना बन खातर ओ तू जन्म मरने तो बारा तेरा सब से रूप निहारा हम तो खिन खिन भूलन हारा बगशो उत्तम विचारा नू लिख नहीं सकते गुण ज्ञानी तेरे पर उपकार लिख नहीं सकते शार निमाने तुझको देवी देवता द्रावण पंडित मुल्ला ने तमनावण हिंदू सिख बलिहारे जावण जी कर दे तेरी आंखो जानू जीवन सफल बनावण का तेरे गाइए तेरे आचो जानू जीवन सफल बनावण का तर ओ रक्त बीज पसारा करके रक्त बीज पसारा करके मिट्टी बिच पंजे तत भर के जोड़े करे मदीने ते नरके पाया गुड़ गया रानू लिख नहीं सकते गुण ज्ञानी तेरे पर उपकार ओ लिख नहीं सकते शार निमाने सिमरे निस दिन जो ब्रह्मादिक लोचे दर्शन जो सनकादिक जोगी जतियो दासी आदिक लभ दे तेरिया गोजानू जीवन सफल बनावण का तेरे गाइए तेरे आचो जानू जीवन सफल बनावण खातर ओ शहरी ने सदन तुझे चितारना शहरी ने सदन तुझे चितारना तेरी उपमा ने तपकारना हमारे कर दो बिघन निवारण है अरे जी सरकारा लिख नहीं सकते गुण ज्ञानी तेरे पर उपकार लिख नहीं सकते शार न माने तेरा कट कट विच है वासा तीने तरत पताले आकाशा बैंका स्वरूप तरसदा प्यासा जी लभज
करो कंबो जानू जीवन सफल बनावन खातिर गाइए तेरे आचो जानू जीवन सफल बनावन खातिर ओ शहरी ने सदने तुझे जतारन तेरी उपमा ने तप कारण हमारे कर दियो बिघन निवारण है हर जी सरकार लिख नहीं सकते गुण गया तेरिया पर उपकार लिख नहीं सकते शारण माने ओ तेरा घट घट बिच है वासा तीने तारत पता ले आकाशा बैंका स्वरूप तरस दा प्यासा जी लभज करो कंबो जानो जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरे आचो जानो जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरे आचो जानो जीवन सफल बनावन खातर बाणी तुरों अकाल ने आप भेजी भुले भटकिया नू राह पाम दीए बाणी दुध देवे बाणी पुत देवे बाणी दौलता नाल रजाम दीए बाणी कौड़ियों मिठिया करे मिठा ते बाणी थलां ते चश्मे बगाम दीए बाणी रोगियां दे रोग दूर कर दे बाणी पवजनू पार लंघाम दीए दिल पर इस गुरबाणी का जो जाप करता है उसके बिगड़े हुए कार्य सवार दीए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए कोड जन्म के किल खनासे हर चर नीच तलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन मन की ऐच पजाई नानक दास तां कह बलिहार है जन पूर्ण पैज रखाई दे महावाक अनुसार आप जी बटभाग्यो जो संत महापुरखां दे स्थान ते हाजरियां भरे हो सतगुरु की गुरबाणी कहती है बिन भागा सत संग ना लभे बिन संगत मैल भरीजे जीओ भागहीन प्रम चोटा खावे बिन भागा सत संग ना पावे बिन भागा सत संग ना लभे बिन संगत मैल भरीजे जीओ आप जी भागा वाले जो महापुरखां दे स्थान ते हाजरियां भरे हो गुरु साहब की बड़ी बख्शिश है गुरु साहब की बड़ी बख्श है गुरु साहब की बड़ी कृपा है आओ सब तो पहला सतगुरां के पावन चरणों में दोनों हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो जी क्योंकि फतेह बुलाने के नाल मुख पवित्र हो जाया करता है फतेह बुलाने के नाल साढ़े दो रूहों का आपस सुकून मिलता है सतसंग जी जो असी फतेह बुलाते हाँ साढ़े मुरझाए हुए चेहरिया से खुशी आ जाती है इस करके आप जी संगत जुड़ी हो गज बज के गुरफतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह कोई भी विचार आरंभ करने तो पहला कोई भी बेनती शुरू करने तो पहला एक जरूरी बेनती है जो पहला भी की गई सी के एक नोवा गड्डी 1900 नंबर है उसका उस सैड ते करने की कृपालता करो पहला भी मनदीप सिंह दीपे ने आन के मैनू कहा सी ते हुण भी वह बेनती करके गए हैं इस करके जिस भी वीर भरा की वह गड्डी होवे उन्हूं सैड ते लगाउण की कृपालता करन सतसंग जो बैरलियां रूहां हैं जो संत होया करदे हैं जग मैं उत्तम काढ़ी है बैरले कई के संसार दे उपर वैरलियां वैरलियां रूहां आया करदी हैं जो शहीद होया करते हैं जिहड़े कौम खातर धर्म खातर मजहब खातर देश खातर कुरबान करते उन्होंने शहीद किया जाता है ये जो संत महापुरख होया करने वैरलियां रूहां जिन्होंने भजन किया बंद की सिमरन किया और आप जपे अबरे नाम जपावे तिस गुर सिख गुरु मन पावे वह महापुरखों की याद को ताजा किया जाता है कुछ दिन पहला जो ये सारा ही परिवार
सरदार रतन सिंह जी, सरदार मोहन सिंह जी, सरदार स्वर्ण सिंह जी, सरदार दास सिंह जी, इन्हां दे सारे परिवारों वालों अचेचे तौर पर इस जोड़ मेले के उपर हाजिरी भरी जाती है। जोड़ मेला जोड़ प्लस मेला, इत्थे केवल ते केवल बैठ के जुड़ के गुरु की गल चलती है। दुनिया के बड़े मेले हैं, दुनिया के बड़ी रंग रौनक मनाईया जाती हैं, पर साध सिंह जी याद रखना कि उत्थे दुनियावी गल्लां होंदियां हन, उत्थे समाजिक गल्लां हुंदे होया करदियां हन, इत्थे केवल ते केवल एक निरंकार की गल हुंदी है। सतगुरु जी गुरबाणी विच कहिंदे तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। जदों असीं गुरु नूं वेखदे हाँ साडा तन ते मन निहाल हो जांदा है। सतगुरु जी गुरबाणी विच प्रमाण करदे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। जदों सतगुरु महाराज खुशियां दा सुभागा समा बख्श करदा है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं महाराज लखां खुशियां बख्श दिया करदे हन। इस करके सासे जो मनुख है दुनिया के उपर 84 लाख जूना विचरदा विचरदा आया है, और सतसंग जी इस संसार से आके बड़िया दुनिया तो आने तो पहला उसनों कठिनाइया आईया, माता के गर्भ में उसनों पुट्ठा लटकाया गया, उसकी लैब अकाल पुरख वाहेगुरु जुड़ी रही। तो अकाल पुरख वाहेगुरु के चरणों में एक बेनती की, अरदास की, जोदड़ी की कि अकाल पुरख वाहेगुरु कृपा कर मैनू संसार से भेज ताकि मैं तुहाडा नाम जाप सकां। पर कुदरती कारण बनया संसार ते आउंदे हन, संसार के झमेलिया में इंसान फस जाता है। गुरु घर आने लगे भी असं कई बार सोची दा कि जाइए ज ना जाइए, घरों तुर पईदा रस्ते में कोई सज्जन मिल जाता उस नाल मिलाप करके गल्लां बातां करके वापस आ जाइदा। पर सतसंग जी ये गुरु की कृपा ये गुरु की बख्शिश है। थोड़े दिन पहला श्रीमान संत बाबा बूटा सिंह जी मेहड़ू वाले जिहड़ा संतां महापुरखां दे ये परिवार बड़ी सेवा करता है, तन मन नाल सेवा करता है, मेरे वड्डे भाजी तारा सिंह जी होणी, जगतार सिंह जी होणी, सरवण सिंह जी होणी अचेचे तौर पर हाजरी भरते हैं। सत्कारयोग मैं एक बेनती सतगुरु महाराज के पावन चरणों में करनी चाहता सब तो पहला कि सरदार सुरजन सिंह जी चिट्ठा किसी संकट के कारण उन्होंने संकट आया, आप महापुरखों के चरणों में धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चरणों में बेनती करनी महाराज कृपा करो उस समय उन्होंने संकट के हथ दे के बचा, क्योंकि इंसान की जिंदगी दे कई उतराइया चढ़ाइया आ जाए। मनुख केवल उ चंगा है जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है। सरदार साहब अपनी जिंदगी के बड़े चंगे काम कार करते हैं, लोड़वंदा की जिते मदद करते हैं उत्ते सासें दूसरे पासे वो उन्हां लोकां नूं उपर चकते हैं, गरीबां लोकां नूं मदद करते। खैर समा बनिया उन्हां ते संकट आया, आपां रल के अरदास बेनती करिए। खैर मैं बेनती कर रहा सां कि जो गुरबाणी इस जग में चानण करम बसे मन आए, तो मनुख नूं सतगुरु महाराज ने कृपा की है बंदे तू बंदियां वाले काम कर। दुनिया में आप देखी दा किसी नूं अज तक बंदा नहीं किया जाता कि तू बंदियां वाले काम कर, केवल ते केवल एक मनुखी है जिसनूं यह संबोधन किया जाता भाई तू बंदा बंदियां वाले काम कर। मैं तुहाडे चरणां विच बहुता समा नहीं लैणा, यह कविता मनुख के जीवन के आधार पर पेश करा के एक श्रीमान संत बाबा बूटा सिंह की याद में कविता पेश करा के स्टेज तो खिमा दे जाच हो जाना। आओ कविता का मजमून कि मनुख इस संसार से आन के की करता है, की करना चाहिए, उस समय असीं तुहाडे चरणों में इस तरह बेनती की जा रही है जी। क्यों गफलत विच सौ कहे अपनी उम्र गवा ली तू, भुल के प्यार साई दा जग नाल प्रीति पाली तू, भुल के प्यार साई दा जग नाल प्रीति पाली तू। जो सतगुर जी कहिंदे हुकम कमाया कर बंदिया, उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया, उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया। हो क्यों गफलत विच सौंके, क्यों गफलत विच सौंके अपनी उम्र गवा ली तू।
ओ क्यों गफलत विच सौंके अपनी उम्र गवा लई तो भुल के प्यार शाई दा जग नाल प्रीति पा लई तो भुल के प्यार शाई दा जग नाल प्रीति पा लई तो जो सतगुरु जी कहिंदे हुकम कमाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया हो सुतिया रात साल ही सांभिया अजे सवेरा ना माया वालों क्यों बंदिया मुखा मुड़िया तेरा ना माया वालों क्यों बंदिया मुख मुड़िया तेरा ना ओ हक दी किरत कमाई सदा कमाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया ओ नाम मोलक दात मिले गुरु ग्रंथ दे चरना चो कस्तूरी ना सांभी जांदी कदे भी हरना तो कस्तूरी ना सांभी जांदी कदे भी हरना तो ओ सच्चे गीत साई दे सदाई गाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया ओ एक दिन उड़ जू पौर ते काया सुनी रे जुगी ए तेरे जीवन दी बाजी पुठी पै जुगी बंदिया ए तेरे जीवन दी बेड़ी पुठी पै जुगी हाथ विच आया मौका ना खुंजाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया ओ ठगी चोरी बेईमाने जे जड़ों अखाण देवे तू जीवन दी बेड़ी पव सागर चों तार लवे बंदिया तू पव सागर चों अपनी बेड़ी तार लवे नाम सरोवर अंदर डुबिया लाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया ओ हर है हर दे अंदर ए गल सची जान लई कर संतां दी सेवा सची जोत पछाण लई बंदिया कर संतां दी सेवा सची जोत पछाण लई जे करना पुन दान ते ना मन अलकाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया ओ तूरण जीत कवि बन लिखदा रहे वडियाई जे सतगुर दे चरना विच सुरती रखी टकाई जे सतगुर दे चरना विच सुरती रखी टकाई जे सुन सुन बाणी हिरदे विच वसाया कर बंदिया उठ के सुबह सवेरे नाम ते आया कर बंदिया
उठ के सुबह सवेरे ते आया कर पढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब दी इलाही बाणी हुंदे बेड़े सागरां चो पार मान्यो गुरु ग्रंथ पंथ नूं ढडोड़ा चेता शेरपुरी करे सत्कार पढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब दी इलाही बाणी हुंदे बेड़े सागरां चो पार साध संगत जी समुची संगत वल्लों चट्ठा परिवारां वल्लों नगर दी संगत वल्लों मैं नाम लैण लगा काफ़ी समा लगेगा मेरे बहुत ही सत्कार जो सरदार प्यारा सिंह जी कनेडा वाले बीबी गुरमीत कौर जो कल उन्हां दा फोन आया सी मनदीप सिंह ने मेरे नाल गल करवाई दीपे ने तो उन्होंने वालों ये हुक्म है कि साडा जिक्र करियो असी ये सारा लाइव अज के समागम देखना है तो मेरे मन में एक होर फुरना उठे है ये सारे परिवार चट्ठा परिवार भाजी तारा सिंह होनी जगतार सिंह होनी सरवण सिंह जी होनी अज जिहड़ा मौसम बनया है ना ये अपना किसी के बस की गल नहीं बड़ा प्रबंध किया बड़े कूलर लगाए गए बाहर पंडाल का प्रबंध सीगे जल पानी की सेवा करनी है तो मैं तुहाडे चरणों के विच गुरु का वास्ता पा के एक बेनती करनी चाहुंदा सारे परिवारों नूं कि आप आने वाले समय में इत्थे लेंटर पाईए जां शैड बनाईए ता कि मौसम किसी का लिहाज नहीं करता सारा बनिया बनाया लंगर पानी बरतौना संगत ने छकना सुचजे तरीके छकिया जाए बहुत चंगी गल है इस करके गुरु का वास्ता सारे चट्ठा परिवारों कि आप जी इस गलबात तवज्जो देनी मेरे सत्कारयोग भाजी प्यारा सिंह जी गिल्लां वाले सत्कारयोग साडे भूआ जी स्वर्ण कौर उन्हों का सारा परिवार उन्हों वालों भी सतगुरों के पावन चरणों में बेनती महाराज कृपा करनी काका हजूरा सिंह जी ने बच्चे की दात बख्श करनी भाजी कहिंदे वाहिगुरु कृपा करे चाहे बच्चा देवे चाहे बच्ची बख्शिश करे पीढ़ी वधे सतगुरां दे पावन चरणां विच अरदास कदी व्यर्थी नहीं जांदी सतगुरु महाराज कहिंदे व्यर्थी कदे ना होवी जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास इस करके आपां रल मिल के अरदास बेनती करनी है साध संगत जी समा समाप्ती वल जा रहा है मेरे वीर ज्ञानी सुखदेव सिंह जी गिलणा वालिया ने कुछ दिन पहला एक कविता लिखी थी धन धन बाबा बूटा सिंह जी क्योंकि उन्होंने नाम से मेरे वीर सरदार बलविंदर सिंह जी जई साहब जो इत्थे सेवा करते हैं बड़ा प्यार है उन्होंने वालों महापुरुखों के नाम से माया भी भेजी गई है और एक कविता संत महापुरुखों के जीवन के आधार पर पेश करा के स्टेज तो खिमा के जाच गुजर आओ संत की होया करते हैं उन्होंने की उस्तत है उन्होंने की वड्याई है वह किमें तपस्या करते हैं आप जी सामने उस समरासीन भाई सुखदेव सिंह जी गिलणा वाले मेरे वड्डे वीर भाई सलेंद्र सिंह जी ते दास इस तरह बेनती करे जी तेरे दर जिन्ना शीस नूं झुका लिया 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 सब कुछ उन्हें इत्थे आके पा लिया सब कुछ उन्हें इत्थे आके पा लिया डुब्बे वैणा विचों उन्हें नूं बचा लिया डुब्बे वैणा विचों उन्हें नूं बचा ऐसा चार दे सरूर दुख होन सब दूर तेरी करनी तो जावा बलहारे धन बाबा बूटा सिंह जी तेरे जो जहान जग तो नारे धन बाबा बूटा सिंह जी बाबा सारिया दे संकट हरदा 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 खाली झोलियां भी शब्दियां भरदा खाली झोलियां भी शब्दियां भरदा जात पात दा वित कराना करदा जात पात दा वित करानी करदा असी आए तेरे दर हाथ मेरा वाला कर तेरे दारे उतो जाइए सतकारे धन बाबा बूटा सिंह जी तेरे जो जहान जग तो नारे धन बाबा बूटा सिंह जी थोड़ी बाबा जी कमाई बहुत
ਧਾਨਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਧਾਨਿਆ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਮਾਨਿਆ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਮਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਰਸਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਪਰਸਾਨਿਆ ਸਾਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਜਹਾਨ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਦਰ ਤੋਂ ਮਰਾਦਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਜੀ ਸਭ ਦਰ ਤੋਂ ਮਰਾਦਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਜੀ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜੀ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਚੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਮਾਰੀ ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜੀ ਹਲਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਜਹਾਨ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ 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 ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਸੀਸ ਹੈ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤੂੰ ਆਸਾਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਜਹਨ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਸਖ ਦੇਵ ਲੇਖ ਗਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਸਖ ਦੇਵ ਲੇਖ ਗਾ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਹੈ ਨਿਵਾ ਗਿਆ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀਤਦਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਜਹਾਨ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੰਬੜਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਤਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
इतिहास ते गुरबाणी मनुख की जिंद जान होया करती है। इस करके मैं तुहाडा बहुता सामना लवां। इत्थे दीवान की समाप्ति करदे अपने समय की। बहुत बहुत सारे परिवारों का धन्यवाद जिन्हें समा दे के नवाजिया, क्योंकि मैं स्टेज सैकटरी तुहाडे कोलों, मेरी उम्र तकरीबन 53 साल की हो गई है, कदे भी माया नहीं ली ना ही लैनी है। पिछले साल मैं स्टेज सेवा की, ये धक्के ने 1000 रुपया घर फड़ाए सी, पर मैं तुहाडे चरण में बेनती है, स्टेज सैकटरी सेवा मेरी कोई सेवा नहीं है। तुसीं अरदास बेनती करो मैनू तंदुरुस्त वाहिगुरु बख्शिश करे। सो तुहाडी संगत का बहुत बहुत समुची संगत धन्यवाद। आने वाला जत्था बहुत ही सत्कारयोग भाजी करम सिंह जी, जो अपनी मिसाल आप हैं, जो आप जी सामने तकरीबन 12:40 तक हाजिरी भरनगे। आप जी ने समय की आप चरण बेनती करती है, जे बीबियां आ गई ठीक है, बाबे बकाल वाली उन्होंने तो पहला सत्कार जो ज्ञानी हजारा सिंह जी हाजिरी भरनी है जी। आप जी ने बेनती प्रवान करनी। समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी माया दे के आप नवाजा सी, तुहाडे शुक्र गुजार हाँ, कर्जदार हाँ जी। इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਗਈ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਤਾਨੀਏ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤਰ ਜਾ ਵਾਜਾ ਕਰ ਕਰ ਮੂਲਾ ਥੱਕਿਆ ਪੜ ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਮੂਆ ਜਿਸ ਪੜਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੁਆ ਉਹ ਜਿਸ ਪੜਨੇ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੂਆ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਚੂਹਾ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੱਲਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਵਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਜਵਣ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤਰ ਜਾ ਸੇਵਾਇਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਰ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਜਾ ਕਰਮ ਮਹਲ ਮੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਕਰਮ ਮਹਲ ਮੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਇਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੈ ਖੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਾ ਗਿਆ ਖੈਰ
आप संतां महापुरखां दी मिठी याद अंदर जुड़ के बैठे हो। सब तो पहला वाहेगुरु जी की फतेह बुलाइए। इस आपां अपनी हाजरी लवाइए, अपने आप नूं वडभागे बनाइए। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी दीआं चरणां दीआं खुशियां लईए। गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुछ इतिहास शुरू करन तो पहला एक बीबी जी आई, वो कहंदे बाबा जी अरदास करनी है, क्योंकि जिहड़ी मां हुंदी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਢੇ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਾਢਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਲਾਦ ਬਿਨਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਅਜੇ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਲਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ, ਦਿਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਖਿੜੇ ਚਕੋਰ, ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਚੰਦ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਖੇਡੇ ਬਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸੁਈਆਂ ਵੇੜਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸੰਗਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਅਜੇ ਸੁਈਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਭੈਣੋ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ,
ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साक पी पज खले सबो भजे आसरा चुके सब इसराओ चित आवे उस पार ब्रह्म तन लगे ना तत्ती वाओ बिरथी करे ना वही जन की अरदास जदो पूरे गुरु दे अगे अरदास हो जावे ते वो अरदास हमेशा पूरी होगी। खैर वो जेड़ा राजा सी ना उनू बड़ा मान सी वेदां दे उत्ते पंडतां दे कहंते ए पंडतां कोल गया कहन लगा मेरे घर कोई पुत्र नहीं मैं उड़ीसा दा राजा ए सारे महल मेरे ए सारी उड़ीसा दी जगह मेरी पर पंडित जी नु सामण वाला कोई नहीं मेरे मरण तो बाद मेरा कोई वंश नहीं वधेगा मैनू तां सर एहा ही गल खाई जांदी है दिन रात कृपा करो कोई एहो जिहा उपा दसो कि जिहदे नाल मेरे घर विच रौनक आवे ते खुशी आवे। पंडतां ने आख्या राजा जी एक उपा है उन्हें आख्या दसो उन्हें आख्या चार वेदां दा जग करवाओ पंडित सदो वड्डे वड्डे विद्वान सदो ते उन्हां दा पाठ कराओ वेदां दा जदो पाठ वेदां दा हो जाएगा तुहाडी रब अरदास जरूर सुनेगा। इहा कुछ कीता राजे ने जदो इहा कुछ कीता ना मिलिया कुछ नहीं फिर कहिंदा भी शायद फिर आपक दे वेदां दा पाठ कराउने आ फिर दोबारा पर ओ इन्ना कट्टर सी ना क्योंकि राजा सी हर किसे नूं अपनी ताकत दा मान हुंदा हंकार भी हो जांदा कदी उन्हें आख्या पंडित ने पंडिता ने होर आख्या उन्हें आख्या तेरी किस्मत ता नहीं जाग रही शायद तेरे इलाके दे विच तेरे शहर दे विच कोई होर भी कलाम पढ़िया जांदा है इस करके जे तू सारे उड़ीसा नू वेदां दा पाठ सुना देवेंगा ना ते इन्हां दे लड़ ला देवें फिर शायद तेरी रब सुन लवे। हंकार विच आया उन्हें सारे उड़ीसा विच ऐलान कर दिता भी वेदां तो बगैर मेरे उड़ीसा दे विच कोई कलाम नहीं पढ़िया जावेगा कोई एहो जिहा कलाम कोई एहो जिहा शब्द नहीं पढ़िया जावेगा जेड़ा वेदां दे उल्ट होवेगा ते वेदां तो बगैर कोई बाणी नहीं पढ़ी जावेगी। ये ऐलान हो गया क्योंकि राजा सी मनना सी प्रजा ने सारिया ने मनिया जे कोई मुसलमान फड़िया जांदा है उन्हूं भी कैद किया जांदा है कोई होर भी कलाम आपदे रब दा पढ़दा उन्हूं भी कैद किया जांदा है पर उस उड़ीसा दे विच एक गुरमुख प्यारा रबी रूह एक जंगल विच बैठा है इतिहास दे पन्ने दसदे ने कि वह बाग विच बैठा है एक सिख है बाबे नानक वह बाणी पढ़ रहा गुड़का हाथ विच है ते सारे सिपाही आसे पासे क्योंकि बाग है बाग की राखी माली भी करते हैं सिपाही भी आसे पासे लाए हुए ने उड़ीसा दे विच सारे जदो ओ बाणी पढ़ रहा ना सुखमणी साहब जी का जाप कर रहा ते एक पंक्ति आई साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्या जदो ए पंक्ति उस बाग दे माली ने सुनी कि साध की महिमा वेद ना जाने ए किस तरह हो सकता है ओ साडा राजा कहंदा वेदां तों उत्ते कोई चीज नहीं ते ए पता नहीं केड़ा कलाम पढ़ रहा ए कहंदा है कि साध की महिमा वेद भी नहीं जानदे ए तुहीन है ए बेइज्जती है वेदां दी। जदो ए गल आखी उन्हें आखा तू कौन है पुछया गया भी तू कौन है उन्हें आख्या मैं बाबे नानक दा सिख हां उन्हें आख्या तेनू पता नहीं तू कानून तोड़िया राजे दा उन्हें आख्या केड़ा कानून उन्हें आख्या राजे दा ए हुक्म है कि वेदा तो बगैर इत्थे कोई कुछ पढ़ नहीं सकदा ते तू पता नहीं केड़ा कलाम पढ़ रहा ते ओ भी वेदा दे उल्ट तेनू हुणे राजे दे पेश कीता जावेगा दरबार दे विच उन्हें आख्या जिथे मर्जी लै जाओ उन्हूं हथ कड़ियां लाईआं बेड़ियां लाईआं राजे दे दरबार विच पेश कीता गया। जदों राजे कोल शिकायत पहुंची सामने दरबार लगा होया सामने कुर्सी दे उत्ते सिंघासन दे उत्ते राजा बैठा है उन्हें आख्या इहनूं कैद विच क्यों लै इहनूं बेड़ियां क्यों लाईआं उन्हें आख्या गुनाह ही अपराध ही ऐसा कीता इहनूं इहने अपराध ही ऐसा कीता राजा साहब तुसीं जदों इहदा अपराध सुणोगे तुहाडीआं वी अखां खून उबाले खान गियां उन्हें आख्या ऐसा केड़ा कर्म कर दिता इहने उन्हें आख्या तुसीं वेदां नूं रब मन्नदे जे कहन लगा हां कहन लगा फिर वेदां दे उल्ट इहने बोलिया जे इहने बेइज्जती कीती है उन्हें आख्या की आख्या है उन्हें आख्या ए कहिंदा ए वेद की महिमा साध की महिमा वेद न जाने जदों ए गल सुनी ना राजे ने राजा भी गुस्से विच आया
उन्हें आख्या ये तू की कर रहा है तेनू पता नहीं मेरे कानून की उलंघना की। कह लगा जी राजा साहब मैं उड़ीसा विच नवा आया मैनू इस चीज का पता नहीं पर हाँ मैं बेइज्जती नहीं की मैं तो रब की बंदगी कर रहा यह मेरे गुरु की बाणी है। उन्हें आख्या तेरा गुरु केड़ा उन्हें आख्या ओ हरिमंदर साहब दरबार साहब सेवा करवा रहा है खुदाई करवा रहा सरोवर की यह ओदे मुख चो उचारी हुई बाणी है। उन्हें आख्या मुख चो उचारी हुई बाणी केड़ा गुरु मैं किसे गुरु नहीं जानता। उन्हें आख्या धन गुरु अर्जन देव महाराज कह लगा फिर ओनू भी मिलना पवेगा ओनू किन्ने हक दिता है ओनू किन्ने हक दिता है कि वेदा की निंदा करे। उन्हें आख्या जाके पुछ लो उन्हें राजे भेजे राजे ने वजीर भेजे सिपाही भेजे कि उस जिन्हें ये पंक्ति लिखी है उन्हें मार के जंजीरा गिरफ्तार करके मेरे दरबार विच पेश किया जाए। गुरु अर्जन देव महाराज जी को गिरफ्तार करने वास्ते फौज भेजता है जो फौज भेजी नाल वजीर गया गुरु अर्जन देव महाराज जी फड़न वास्ते हो गया जो दरबार साहब पहुंचा अमृतसर साहब पहुंचा जो वेख्या एक पासे संगतां सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रही एक पासे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब वर्गे भाई गुरदास वर्गे रब्बी रूहा साई मियां मीर वर्गिया ओ आत्मावां बठल चुक चुक के सिर ते सेवा कर रही ने। जो ये तकिया जेड़ा वजीर फड़न वास्ते गया सी गिरफ्तार करने वास्ते गया सी ओदा मन बदल गया क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत नाले उस दर ते पहुंच गया जिथे अज तक कोई खाली नहीं मुड़िया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदो ओ वजीर पहुंचया कह लगे इत्थे गुरु अर्जन देव जी कौन ने असीं उन्हूं मिलना चाहुंदे आ। कह लगे आओ सामने जेड़े जोड़ियां विच बैठे ने सेवा कर रहे ने ओ है धन गुरु अर्जन देव महाराज। जो इन गल सुनी ना भी वह गुरु अर्जन इन्हों का आगू जो जोड़िया च बैठा है एडा वड्डा गुरु जेड़ा अपने चेलियां दियां अपने सेवादारां दियां जुत्तियां ते जोड़े झाड़ रहा जिन्हों लोग गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने ते जो उत्थे पहुंचा ना उन्हें आखा धन गुरु अर्जन देव जी तुसी जे कह लगा हाँ मैं हाँ। उन्हें आखा तुहाडी एक शिकायत है उड़ीसा दे राजे ने भेजी है। उन्हें आखा केड़ी उन्हें आखा एक पंक्ति है तुसी लिखी है। उन्हें आखा केड़ी पंक्ति उन्हें आखा तुसी लिखी है साध की महिमा वेद न जाने इहदे अर्थ करके समझा दिओ। राजे ने आख्या पहली गल तो उन्होंने गिरफ्तारी की गल आखी भी गिरफ्तार करके लियाओ पर तुहाडी इन्नी सेवा वेख के इन्नी श्रद्धा वेख के मन बदल गया सच्चे पातशाह कृपा करो इस पंक्ति दे अर्थ ही समझा दिओ मैं राजे की तसली अपने आप कर देवांगा जदों तुसी अर्थ समझा दिओगे। उन्हें आख्या जेडे राजे ने तेनू भेजिया ना गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के बोल सुनिया जी लगा जिस राजे ने तेनू भेजा ना कि इस पंक्ति दे अर्थ करके समझावे जिन्हें लिखिया ने उन्हें आख्या इस पंक्ति दे अर्थ साडे कोल नहीं जा राजे नू जाके कह देवी ओदे घर एक पुत्र पैदा होवेगा उस पंक्ति दे अर्थ ओदा पुत्र करके विखावेगा खुशत नाम श्री हैरान हो गया वजीर खुश भी होया। उन्हें आख्या जेड़ा राजा पता नहीं कित्थे कित्थे जाके मत्थे रगड़दा रहा कित्थे जाके जोतां जगाईआं कित्थे दीवे जगाए जिथे कित्थे ओ केड़ी थां है जिथे राजी राणी नूं दस पाई राणी राजे नूं नाल लैके उत्थे जाके अरदासां कीतीआं पर अज तक ओहदी अरदास पूरी नहीं होई ते इह गुरु अर्जन देव जी कहिंदा है कि ओहदे घर पुत्तर पैदा होवेगा इस पंक्ति दे अर्थ ओह करके विखावेगा इस दुनिया नूं। जदों इन्नी गल सुनी वजीर खुश भी होया वापस चला गया राजे दे दरबार विच गया। सब तो पहला जदों राजे ने वेख्या भी ये खाली हाथ आया कोई नाल कैदी नहीं जिवें गए ने उवें वापस आ गए ने गुस्से विच बोलिया उन्हें आखा जिस गुरु नूं फड़न वास्ते तुहानूं भेजिया सी ते तुसीं खाली हाथ आ गए तुहानूं मेरा डर नहीं। उन्हें आखा राजा साहब ओहदी फड़न दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं जिहड़ी उस गुरु अर्जन देव जी नूं फड़ सके दुनिया की कोई ताकत नहीं। ते दूसरी गल राजा साहब एक खुश खबरी है उन्हें आख्या केड़ी उन्हें आख्या जिस चीज लई तुसी दर दर भटकते रह जे ओ शै ओ चीज ओ दात उसे गुरु ने आख्या तुहाडे घर पैदा होवेगी जिहड़ा पुत्र तुसी पालदे जे ना जिहड़ी पंक्ति दे अर्थ तुसी कहिंदे जे ओ कहिंदा भी तेरे घर पुत्र पैदा होवेगा इस पंक्ति दे अर्थ ओ करके विखावेगा खुशत नाम श्री
उन्हें आख्या अच्छा, उन्हें आख्या फिर पंडित मैनू झूठ बोल के कहने कि वेदां दा पाठ कराओ ते फिर पुत्र पैदा होगा। गुस्से में आया उन्हें सारे इलाके दे पंडित कट्ठे किए, सारे पंडित कट्ठे किए। जदों पंडिता ने आख्या, सारे पंडित जदों कट्ठे हो गए ना, पुछया गया भी तुसी तां आख्या सी कि मेरे कर्मां विच औलाद है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी कुछ समय बाद तेरे घर पुत्र पैदा होना, ये मैनू गल कोई समझ नहीं आई। तुहाडी भविष्यवाणी कुछ होर आंदी है, पर गुरु की भविष्यवाणी कुछ होर आंदी है। इस गुत्थी नूं समझाया जावे, जदों ये कहा ना हुण अपने गलों गलावां लाउण वास्ते पंडितां ने एक चाल चली। एक बड़ा वड्डा पंडित उह अगे आया, उन्हें आख्या तेरे घर पुत्र ता पैदा है, तेरे कर्मा विच पुत्र है, पर ओदी उम्र 11 साल 11 महीने ते 11 दिन दी होगी। जो इनी गल आखी ना राजे, पहले तो बड़ा खुश होया, क्योंकि अजे भी उन्हें वेदां दे उत्ते मान है, पंडितां दे उत्ते विश्वास है। उन्हें आख्या पहलो यह गल क्यों नहीं आखी, उन्हें आख्या राजा साहब पहलो मैं नहीं आया सी भविखवाणी, मैं नहीं दसी तेनू, तू किसी होर पंडितों को गया होगा, पर जे कि मेरी भविखबाणी सुन लेंदा। मेरी भविखबाणी यह है तेरे घर पुत्र तो पैदा होगा, पर 11 साल 11 महीने ते 11 दिन का होगा। जो इनी गल सुनी पुब्बा मार के राजा रोन लग गया, तो रब नूं लांभे दे कहिंदा रब्बा एदू चंगा तो मैं उतरिया चला जाता, जो चंगा सी जे तू दात भी देनी तो वह भी 11 साल ही प्यार कर सकां, मैं अपने पुत्र 12 साल ही इस महिला दे विच मैं लाड लड़ा सकांगा, ऐसी केड़ी दात, ऐसे केड़े मेरे कर्म ने। फिर कहिंदा अपने आप नूं कहिंदा, कहिंदा ओ मना, ओ भी दिन सी ना जदों सारिया ने आख्या सी कि तेरे घर औलाद नहीं होनी, अज ओ भी दिन है किसे ने आस किसे ने दिलासा दिता कि तेरे घर पुत्र होवेगा ते 11 सालां दा ही होवेगा। चल मना तू 11 साल ही रज रज के बाप वाला प्यार दे देवी उन्हें, रज रज के, फिर की होया जे थोड़ी उम्र दा, पर मैं रब नूं मूंह विखाउण जोगा होवांगा कि मैं भी बाप बनिया इस दुनिया ते आया। खैर मुकदी गल, राजे दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया, सारे उड़ीसा दे विच मठियाई वंडी गई, बाजे बजाए गए उस महिला दे विच, जेड़ा राजा कदे पुत्र दा मूंह वेखण वास्ते तरसदा सी, अज उहनूं मूंह विखाया गया अपने पुत्र दा। जेड़ी दाई सी ओनू भी झोलियां भर भर के राजे ने दान दिता, जेड़ा भी मंगता आउंदा, जेड़ा भी गरीब आउंदा, सारिया नू दान दिता उस राजे ने। इन्नी खुशी है, ओदा पैर जमीन ते टिकदा नहीं, इन्नी खुशी है उस बाप नू। पर हुण वेखो उड़ीसा दे काम कार छड़ के हुण ओ अपने पुत्र नाल इन्ना लाड लड़ाउंदा, इन्ना ही लाड लड़ाउंदा महिला दे विच, सारिया गोलियां नूं कहिंदा भी तुसी मेरे पुत्तर नूं हाथ नहीं लाउणा, मैं प्यार करना, क्योंकि पता सी कि इहदी उम्र थोड़ी है। इस करके सारा राजमहल दा काम छड के ओ आप करदा अपने पुत्तर दी परवरिश, आप करदा है, जे खेडदा है ते अपने पुत्तर नाल आप ओहदा मित्र बन के आप खेडदा है। जे ओहदा पुत्र कहिंदा मैं घोड़े ते चढ़ना है, उहने आख्या पुत्रा तेनू घोड़े की लोड़ नहीं, मैं तेरा घोड़ा बनना हाँ, तू मेरी पिठ ते चढ़। यह है बाप। सच जाने हो जे एक दुनिया का बाप है जेड़ा अपने पुत्र नू अपने मोढ़ियां ते चुक के सारी दुनिया विखाउंदा है, मोढ़ियां ते चुक के, नहीं तो कोई दुनिया ते ऐसा रिश्ता नहीं जेड़ा कहिंदा कि वह मेरे सिर तो भी उच्चा हो जाए। एक बाप है जा एक मां है, जे मां वर्गा भी कोई दुनिया ते रिश्ता नहीं। एक गल एक शायद तुसी भी फेसबुक ते देखी होगी, एक निक्की जी स्टोरी सी मां बारे, एक बच्चे की मां मर जाती, ओदा बाप नवी शादी कर लेंदा, ते एक जिहड़ा पुत्र हुंदा उह जतीम हो जाता। कुछ चिरां बाद ना जदों उहनूं कहिंदा है भी पुत्रा जिहड़ी तेरी पहली मां सी ना, दस वो ज्यादा प्यार करती है कि जी हूँ लिया है व्याह के, ये ज्यादा प्यार करती, झूठ वो बोलती है कि सच बोलती है, सच्ची ते झूठी कौन सी? पुत्र नूं पुछदा है बाप, जिहड़ी पहली जिहड़ी मर चुकी जिस पेटों उन्हें जन्म लिया है, ते एक हूँ जिहड़ी नवी व्याह के लाया, एक सवाल करता है बाप कोल बिठा के, उन्हें आखा पुत्रा तू खुश तो है मेरी शादी तो, केड़ी मां तेनू चंगी लगती सी, केड़ी झूठ बोलती ते केड़ी सच बोलती? उन्हें आख्या बापू
एक मेरी गल सुन लै ध्यान नाल, जेड़ी पहली मां सी ना वो झूठ बोलती सी, पर जेड़ी आ जेड़ी मां जेड़ी हुण तू लैके आंदी ना ये सच बोलती। हैरान होया, उन्हें आखा जिस पेटो तू जम्मिया ते ओनू तू कहना भी ये झूठी है, ते जेड़ी हुण मैं लैके आया कुछ दिनों तो ते इनू तू कहना भी ये सच्ची है, वो किवें? उन्हें आखा बापू जदो मैं जित करदा हुंदा सी ना खेडन वास्ते जांदा सी, जेड़ी पहली मां सी ओ मैनू कहिंदी सी टुट पैणिया प्रशादा छक लै नहीं तां ठंडा हो जावेगा, बाद च मैं देनी नहीं रोटी जे तू लेट हो गया। ये मां दी गल कर रहा है, कहिंदा बापू ओ ना कहण ते भी मैनू रोटी दे दिंदी सी भी मैं तैनू रोटी देनी नहीं जे तू लेट हो गया खेडदियां खेडदियां, पर ओ मैनू रोटी दे दिंदी सी, पर जेड़ी हुण तू मां लैके आया है ए कहिंदी तां है मैं तैनू रोटी नहीं देनी जे तू आ कम ना कीता, जे तू खेडदियां लेट होया फिर रोटी नहीं मिलनी। वाकई ये सच बोलदी, जदों मैं लेट हो जाना जदों मैं कोई शरारत करदा है मैनू रोटी नहीं दिंदी। ओ पुत मां दा दे नहीं दे सकदे ते मावां सो सो लाड लड़ौंदियां ने, जियो भाई जियो, गिल्ली जगां ते सौंदियां आप मावां ते सुकी जगां ते पुत नूं पौंदियां ने, मामां तरां किस गल दा ते नहीं जे रिश्ता मां दे साक वरगा, नहीं जे रिश्ता मां दे साक वरगा, पुत भावे जमाने दा बली होवे ते नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वरगा, जस्मा है मां तो बिना पुत नूं ते धी नूं कोई लाड नहीं लड़ा सकदा, भावें लख चाचे ताए एंटियां सारियां हो जाण इक पासे ते इक पासे कल्ली मां खलो जावे उहदा फिर भी प्यार पहाड़ा पवेगा। मां तां मर के भी अपने औलाद दा प्यार नहीं भुलदी, मर जावे ना किते मां। एक लिखारी ने बड़ा वधिया लिखिया है, वह कहिंदा एक मां सी उहनूं ना बड़े मुद्दतां बाद एक पुत्तर दा मूंह वेखना पिया, भाव भाग लाए रब ने, वह कहिंदा मां शां अमड़ी दे निक्के जिहे दिल विच, ध्यान नाल सुनिया जी, फरोजदीन शरफ है राजा सांसी दे कोल इक पिंड है उत्थों दा रहण वाला ये लिखारी है, वह लिखदा मां शां अमड़ी दे निक्के जिहे दिल विच सोमा है मुहब्बतां दा रब ने पसारिया, अज तक था किसे नहीं पाया मार मार टुप्पियां ते जग सारा हारिया, वड़े वड़े शहरां ते लखैरियां ने पूरा जोर लाके मां वाले दिल दा फोटो है उतारिया, मैं भी एक निक्की जी तस्वीर उलीकदा हां शहरी दे रंग नाल जिन्नू मैं शिंगारिया। हुण वेखो मां दे दिल दा शिंगार वेखो ने लिखिया, इहनू उल्ट पासे ना लैके जाया जे इहदा रिजल्ट वेख्या जे उस लिखारी ने कीता मां दे दिल दा, ओ कहिंदा सहक सहक लब्बा मां ततड़ी नूं इक बच्चा, सहक सहक लब्बा मां ततड़ी नूं इक बच्चा, लख लख शुकर उहने रब दा गुजारिया, हुंदे तां पुत नूं ना वा तत्ती पौण दित्ती दुख उहदे झल्ले इक अपनी नूं
ਸਾਰਿਆ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਖਲਾਰਿਆ ਫੁੱਟ ਪੀ ਅੰਗੂਰੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਜਹੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੋ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦਈਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸੀ ਬੜੇ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖਲੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਗਾੜਾ ਖੂਨੀ ਨੈਣਾ ਮਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਓ ਪਰੇਰੇ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧਾਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕੁਵਾਰਿਆ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਸਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਠ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਠ ਨੱਠਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਆਣ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਖਲਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈਵੇਂ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਅੰਬੜੀ ਵੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਆ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਮੁਕਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ 11 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਅੱਧੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਖੇਡ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਤੋਤਲੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦਹਿਲੀਜ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਸਾਲ ਦਾ
मेरी ये बेनती है तू ये महल छड के दूर चला जा, क्योंकि तेरी मैं होनी वेख नहीं सकता, तेरी होनी तो पहलो शायद बाप तुर जावे दुनिया तो। जदों ये गल आखी उन्हें कहा बापू ये की, उन्हें कहा तेरी उम्र सर महीनिया दी ते दिना दिया है, कृपा करके जे मैं तेरी मौत नू वेख लिया ते मैं चला जावांगा, जे मैं चला गया ते मेरी प्रजा दा की बनेगा, मेरी प्रजा मेरा भावे उजड़ जावे देशक उजड़ जावे पर मैं लोकां दे उजड़ नहीं देना, क्योंकि मेरे ते आस है प्रजा दी, क्योंकि राजा है चंगा इंसान सी। उन्हें कहा तू चला जा, उन्हें कहा ठीक आज्ञा कर पुत्र, उन्हें कहा ठीक है बापू जे तू कहना है ते तेरे महल छड के मैं चला जा। मुकदी गल जदों राजे ने यह गल आखी पौड़ियां उतरिया ते सामने बाप वेख रहा अपने पुत्र नूं जांदे नूं, अज अपना पुत्र जांदा होवे ना विदेशां विच, अज भी बापू दी ते मां दी अखां विच आंसू आ जांदा वी पुत्र विदेशां चलिया, पर यह वेखो बापू इहनूं पता भी इहने हुण वापस नहीं आउणा, इस बाप का की हाल होगा ये तुसी आप जानते हो, अस किसी बाप नूं पुछ के वेखो, बाप ऐ दहलीज उत्ते सामने निगाह टिकाई है ते पुत्र सामने जा रहा, मां भी कोल खट्टी, सारियां गोलियां कोल, सारे सिपाही कोल बैठे ने, राजे नूं कईआं ने समझाया भी कि अपने पुत्र नूं आवाज मार लो, ने कहा नहीं इहदी मैं होणी नहीं वेख सकदा, इस करके इहनूं जाणा चाहीदा। पुत्र चला गया जंगलां दे विच, अगे की वेखदा पुत्र की जिंदगी, कई दिन दो तीन दिन नंगे जंगल दे विच बेचारा भुखा तरिया की वेखदा, एक महान ब्रह्म ज्ञानी बाबा बूटा सिंह वर्गा एक महान तपस्वी उन्हें मिले, एक महापुरख मिल गया, एक साधु मिल गया, जदों उन्हें साधु मिलिया मथा टेकिया ना साधुआं, मन नूं शांति आई ते मन विच फैसला कीता, पता की कीता, उन्हें आख्या ओए मना तेरी उम्र 11 महीनिया दी ते 11 दिनां दी बापू कहिंदा सी, क्यों ना जिन्नी रह गई ते सेवा विच नगा दिए, बाकी की जाना किहदे नाल की होवेगा। उन्हें मन नाल फैसला कर लिया कि साधु संतां दी सेवा कीती जावे, उत्थे रह के साधु संतां दी सेवा करदा है, दिन पर रात सेवा करता है, इन्नी सेवा करता है सारे डेरे विच उहदा नाम फैल गया कि फलाना एक छोटा जिहा बच्चा आया, वह भुखे नूं रोटी खवाउंदा है, वह प्यासे नूं पानी पिउंदा है, इन्नी लंगर विच सेवा करता है, ते जे साधुआं कोल बैठ जांदा है ते साधु आराम की करदे पैंदे ते सराहणे खलोता हुंदा, इन्नी उह सेवा करता है संतां महापुरखां दी, भज भज के सेवा करता है। पर जदों 11 महीने भी लंघ गए ना 11 दिनां दी उमर रह गई, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾ, ਬੜਾ ਚੋਪਰ ਸਾ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਬੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹਾਂ ਸੀਸ ਮਹਿਲੀ, ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਨ 11 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੋ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ 111 ਸਾਲ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ
लाए संत की शोभा का नाही अंत, संत की शोभा सदा बेअंत, संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने देता बखान है। जिवे संतान ने उन्होंने उम्र बधाई, किसे लखारी ने बड़िया खूबसूरत लाइना लिखिया ने संतान की महिमा, क्योंकि संत की कोई उपमा नहीं कर सकता। दुनिया से कोई ऐसी जुबान नहीं बनी, दुनिया से कोई ऐसी लिखत नहीं बनी जेड़ी लिख सके ते जुबान बोल सके। किसे लखारी ने साधु संतान की महिमा लिखी है। ये आखिरी कविता करके आज खिमा दे जाजक हो जाना। इं बेनती प्यार सरवण करना, जेड़ी कविता है ओ, आप शिंगार है ते आप प्रचार करेगी। भैणा नूं बेनती है कि चुप दा दान बख्शे करन दा ते शांति नाल बैठना। क्यों बेनती है क्यों अर्ज है। खेदे मोती खलार दे हो जान जिस दे दयाल पूरे ते दुध पुत दे भर भंडार दे ओ बली सिंगा की शेर उछारने ने ते संत डुबदिया दे बेड़े
ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰ ਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖਣੇ ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖਣੇ ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖਣੇ ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰਨ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦ ਸੰਤ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਤੰਦ ਸੰਤ ਤੇ ਤੰਦ ਸੰਤ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਓ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮਨ ਬਾਜ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਨ ਬਾਜ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਗਿਆ
ते जितनियां उन संगतां बैठियां भैणां बैठियां ने जितने वीर बैठे ने जो मनोभावनावां लैके इत्थे जुड़ के बैठे हन संगत अरदास करियो कि कोई भी हुण खाली ना जावे ते मेरा ए दावा है जेड़े गुरु की गोद विच तुसी बैठे अज तक कोई नहीं मुड़िया अपने विच तां भावें खोट होवे पर गुरु विच खोट नहीं है पूरा पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ ये सतगुरु जी की बाणी पूरी है संत महापुरख पूरे ने सारी संगत समुची अरदास करो सारे इकट्ठे बोलो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला इतनी को हाजरी प्रवान करना बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का क्योंकि बच्चों वांगू प्यार देंदे ने इस करके जो आप जी पता ही होगा असि कठे सके भरा हाँ सामने मेरे पिता जी भी बैठे ने सतगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश है असि तो बोलन जोगे कोई नहीं है सतगुरु जी आप मेहर भरिया हाथ रख के कुछ बोलन की दात दे देंगे ने खैर बोलद्या तो एक नहीं अनेक प्रकार दुला हो गई होगी अनजाण बच्चे समझ के माफ करना धनवाद सैकटरी साहबान साहब जो आप जी दे नगर के सरदार कुलदीप सिंह जी इन्हों का बहुत बहुत धनवाद कोटन कोट धनवाद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब आने वाले जथे जियो आया सारे परिवार का जो वलैत की धरती विदेश की धरती तो आए ने उन्हों का भी कोटन कोट धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सारे कोटला भागू की सारी संगत का धन्यवाद सारी संगत फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई करम सिंह जी तिना दे समूह ढाडी जथेदार मैं मेड़ू भी गल की सी महापुरखों के स्थान पर कि गुरु साहब की बड़ी कृपा बड़ी बख्शिश है सत्कार जो भाई साहब भाई हजारा सिंह के तीन बेटे हैं तिने ढाडी हैं यह गुरु साहब की बख्शिश है तो आप भागा वाले है कि जिन्होंने ढाडिया के नाल अपना मेल मिलाप होया ग्रंथी सिंह ढाडी है सरंगी मास्टर भी मनिंदर सिंह जी मौजी ज्ञानी संत सिंह पास के नाल तबले सेवा करते उन्हों का छोटा बेटा है क्योंकि ढाडिया का खून नवा रंग नवा ढंग है बहुत बहुत धन्यवाद जीओ आया समा समाप्ति वाल जा रहा है क्योंकि मैनू भाजी वालों सरबत सिंह वालों एक बजे हुक्म होया बीबी बलजीत कौर खालसा भी पहुंच चुके हैं मैं समय में वंड इदा कर सका मैं शायद मीह पैंदा भी भैन जी होना ने ऐतकी छुट्टी कर लेनी है तो कोई फोन भी नहीं तुसीं कीता कोई गल नहीं खैर आपां भाजीओ 5-7 मिनट होर ले लवांगे सो बेनती है हुण बहुत सत्कार ज्ञानी हजारा सिंह जी 5 मिनट वास्ते एक कविता सरन उन्हों तो बाद भैन जी बलजीत कौर तुहाडे दर्शन करनगे जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कुंभे बदा दल रहा जल बिना कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहा गुर बिना ज्ञान ना होए पहला उसका नाम त्याइए जो सबना दा मालक जी सबना ताई रिजक पजाए जो सबना दा प्रतपालक जी परम सरकार गुरु प्यारे साध संगत जीओ सर्व संगता वधाइयां वधाइयां गुरसिखा मन वधाइयां आप संत ज्ञाने ब्रह्म ज्ञाने बापा बूटा सिंह जी जिन्हों की याद अंदर आप विदेशों तो आई हुई संगत विदेशों तो आए हुए बच्चे जो शहीदां दे दरबार से हर साल की तरह आपो अपने किरत कबाई नूं सफला करन वास्ते आपो अपनियां अरदासां लैके आपो अपनियां बेनतियां लैके आप महापुरखां दे दरबार ते पहुंचे हो परसों दे रोज तो लैके बड़ी ही परिवारां ने बच्चियां ने मन ला के चित ला के गुरु घर की सेवा की है गुरु के प्यारे हो गुरु पातशाह महाराज जी के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जिन्ना जिन्ना परिवारां ने
आप जी के दरबार का ओट आसरा तकिया ते सतगुर जी की गुरबाणी अगवाई भरती है बिरथी कदे न हो वई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास दसा गुरा दा एह स्वरूप जानो नाल हथां दे लिखी महाराज बाणी नुकता दुई द्वैत दा नहीं पाया हर एक वास्ते है सरताज बाणी जेड़ा कित्यों सवाल ना होए पूरा सरन पया दी रख दी लाज बाणी जिदा जी करदा मथा टेक दांदा करदी किसे ते नहीं इतराज बाणी मोहन सिंघा इस कौम नू खुशी किन्नी अर्श फर्श दा मिल गया राज बाणी गुरु के प्यारे जिन्होंने इस दरबार का ओट आसरा तकिया अजे तक कोई भी मनुख सतगुरु जी के दरबार तो खाली नहीं दे गया सतगुरु जी के चरणों में यो ही अरदास है जो परिवार ने अरदास की है सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करिया जे आने वाले समय से परिवार को खुशियां ते खेड़े ते चढ़दियां कला बख्श करिया जे कुछ कहने तो पहला जितनिया भी सरबत संतां बैठिया ने हाथ जोड़ के चौंकड़े मार के केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं सिर झुका के ते चढ़दी कला दे नाल कह दिओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह। गुरु के प्यारे एक छोटी जी वधाई दी कविता के आप जी तो खिमा मंग लैनी है क्योंकि आप सरबत संगत इस दिन ते जो भी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नू नमस्तक होने वास्ते आए हो दास वालों आई हुई संगत नू गुरु के प्यारे वधाई पेश की जा रही है भागा नाले असा दिन दिया अज खुशियां पाईया भागा नाले असा दिन दिया अज खुशियां पाईया वड्डिया भागा वालिया नू रब ने दिखलाईया वड्डिया भागा वालिया नू रब ने दिखलाईया रूहा चिरी विछनिया रब आन मलाईया रूहा चिरे वेछनिया रब आन मलाईया गीता दी गुल जार ने फुल चढ़िया लाईया गीता दी गुल जार ने फुल चढ़िया लाईया रागी ढाडी गाव दे कर दे वड़ियाईया रागी ढाडी गाव दे कर दे वड़ियाईया इत्थे आई संगत नू असी दईए वधाईया इत्थे आई संगत नू असी दईए वधाईया सो परम सत्कार गुरु प्यारी सत्संग जी धन्यवाद है जो इतों की कमेटी का भाई साहब भाई कबीर सिंह जी कुलदीप सिंह जी जो इतों के जिम्मेवार हैं सैकटरी सभान की बतौरे जो सेवा निभा रहे हैं गुरु पातशाह महाराज जी के चरणों में यही है सारे परिवार को सच्चे पातशाह जी उमार है इसी दी रहिंदी जिंदगी रहिंदे श्वासां तक सतगुर जी चढ़दियां कला बख्शी करिया जे क्योंकि कई बार संतां महापुरखां के दरबार मुख तो छड्या होया वचन यह सच है कि सचखंड वासे धन धन बाबा केर सिंह जी रखी रत्तो क्या वाले जिन्हों का तुहाडे इलाके विच 360 गुरद्वारा है जिहड़ा मनसियां मेन रोड ते जिहड़ा गुरद्वारा बाबा साहिब सिंह जी बेदी उन्हां दे गद्दी दे वारस दास दे घर विच हर साल पहुँचते हैं जदों इन्हां बच्चों ने जन्म लिया ना तो सच जाने जे धन धन बाबा केर सिंह जी रखी कहन लगे यारा सियां भी आपां इहनूं ढाडी सिंघ बनाईए ते ओ गुरु पातशाह महाराज जी ने अज अरदास दस दिन पूरी की है अज देसा विदेशों में जाके इलाके गुरु के प्यारे हो इस बच्चों का बड़ा माण सत्कार है गुरु पातशाह महाराज जी कृपा कर इस तरह प्यार बनया रहे सतगुरु जी के वचन करद महापुरखों के वचन करद संत प्रति वचन करद एक ने कई प्रकार दुला जाए गुरु तो गुरु की संगत बख्शन योग है जी अंत में कह दौ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला तो नाल ही कह दौ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी हजारा सिंह जी जिन्हें समय में रह के तुहाडे चरण सेवा की है। हुण आप सामने बीबी बलजीत कौर जी खालसा एक सिंह गुरदेव सिंह
ਬੇਗੋਵਾਲ ਭਲਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੈਥੋਂ ਆ ਜਾ ਮਨ ਨੇੜੇ ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੈਥੋਂ ਆ ਜਾ ਮਨ ਨੇੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ
बिना होवे ना कोई होवे ऐसा जिन्नू रोटी नसीब ना होवे। सारी दुनिया दे विच कोई गरीब ना होवे ना कोई होवे ऐसा जिन्नू रोटी नसीब ना होवे। तू रहमत करी गुरु नानक मेरे तू रहमत करी गुरु नानक मेरे अरदास दात्या कर रुख होवे जिस कर पुत है नी उस कर पुत होवे। जिस कर छा है नी उस कर रुख होवे जिस कर पुत है नहीं उस कर पुत होवे। कदरां पूरियां करी गुर मेरे तू सदरां पूरियां करी गुर मेरे अरदास दात्या चरना विच तेरे अरदास दात्या वटाया है आदेश गुरु आदेश गुरु तेरा अंत किसे ना पाया है। तू विच ननकाने ला बैठा डेरे तू विच ननकाने ला बैठा डेरे अरदास दात्या चरना विच तेरे अरदास दात्या चरना विच तेरे अरदास दात्या चरना विच तेरे। वाहेगुरु लाख खुशियां पातशाहियां दे सतगुर नदर करे नेमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। खुशियां दा दिहाड़ा है जी महापुरखां दी याद मना रहे हैं। अरदास करिए सच्चे पातशाह इसे तरह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ये खुशियां दे दिहाड़े मनाते रहने। कहिंदे एक घर दे विच महापुरख पैदा जदों होंदे ना इक्की कुलां तार दे इक्की कुलां तक वह जादां बणियां रहिंदियां ने। ये महाराज पुत दवे पोतरे दवे पड़ोतरे दवे धीआं नूं पुत दवे पर सारे जी आके बड़े प्यार सत्कार नाल मैं हैरान वां कि तुसी विदेशों में रेंदे भी अपने पंजाब की धरती नूं नहीं जे भुलदे। गज क्या को सतनाम श्री वाहिगुरु। हर साल तुसी आके दिहाड़ा मनाउंदे जे एनआरआई वीर इत्थों दा नगर सारा धन्नवाद है। बाबा जी हुणा वल्लों 20 मिनट का समा मैं मन के चलांगी ये भी मेरी मिन्नत है। मैं बाबा बकाला साहब तो आनी है ते इन्ना समा कोई ज्यादा नहीं मिलना। सतगुरु जी कृपा करे एक बारी तख्तां दे मालक दी गजाई फतेह बुलाउणी है। बाटे विच पानी ते पानी विच बाणी पा के बाणी ताई घोल के पलाया बाजां वाले ने पंज पंज छटे मारे सीस ते नेत्रां ते फेर बाटा मूहां ताई लाया बाजां वाले ने। फतेह नूं बुलाउण वेले दो वारी जाप हुंदा 30 वारी वाहिगुरु
ਕਹਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਕਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਸਹਾਜਨ ਨਾਜਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ संसार दे उत्ते विरले साधु पैदा होंदे ने संसार दे उत्ते विरलियां मावां होंदियां ने जिहड़ियां संत पैदा करदियां ने ते मैं कहिंदी नगर भागा वाला है जिस नगर दे विच साधु संत पैदा होए अज असी बैठ के इत्थे आनंद माणदे हां आसां मुरादां पूरियां होंदियां ने एक कविता मैं महापुरखां दे अर्थाई कहिणी है साधु खड़ा बाजार में सब की मांगे खैर है सारिआं दा भला मंगण वाले संत होए साधु साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर संतां दा किसी नाल दोस्ती नहीं दी ते ना किसी नाल वैर रखदे नहीं साधु रूप रब दा मंगे भला सब दा सारिआं दा भला मंगण वाले साधु संत संसार ते आउंदे ने गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी ने पूछा संतां नाल तुसीं किन्ना प्यार करदे हो ते महाराज लिखदे हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओर सताणी संत हमारा गहना मारे कहिंदे हम संतन स्यों बण आई कहिंदे साडी तां बणदी संतां नाल इस करके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी महाराज ने किताब दिता सी आओ संतां दे प्रथाएं में कविता कह के इतिहास तो कविता कह के खिमारे जाज को ना दी सतगुर कृपा करे आओ महापुरखां दी वड्याई करिए दुनियादार की ए गल जानण कर्म वाले जोत पछाणण दुनियादार की ए गल जानण कर्म वाले जोत पछाणण दे बच हुंदा हर दम सचखंड दे बच हुंदा हर दम बैणा संता दा रब कदे वी नहीं बोड़दा कहणा संता दा जानने कर्म वाले जोत पछानण दुनियादार की एक गल जानण कर्म वाले जोत पछानण सचखंड दे विच हुंदा हर दम सचखंड दे विच हुंदा हर दम बैणा संतां दा रब कदे भी नहीं मोड़दा कहणा संतां दा रब कदे भी नहीं मोड़दा कहणा संतां दा सारे वीर एनआरआई भैणां आईआं मैडमां भी आईआं ने जिन्ने आए बच्चे आए ने लेके सारिआं वल्लों माया आई है जी मारे कृपा करी ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ चुगली करी देने ब्रह्म ज्ञानी दी जो विनतिया चुगली करी देने नरकले विच जान पाप दी बगली परी देने नरकले विच जान पाप दी बगली परी देने दुनिया नालों बकरा उठना दुनिया नालों बकरा उठना बैणा संतां दा रब कदे भी नहीं बोड़दा कहणा संतां दा रब कदे भी नहीं बोड़दा कहणा
रोज नहीं मन में आउंदा संतां दे हंकार को रोज नहीं जपते रब दा नाम किसे नाल वैर विरोध नहीं जपते रब दा नाम किसे नाल वैर विरोध नहीं अपने सच दा देना है ओ दे सच दा देना है ओ कहना संतां दा रब कदे भी नहीं मोड़दा कहना संतां दा रब कदे भी नहीं मोड़दा कहना संतां दा हर कदे गल दिल दी साधु हर एक दे गल दिल दी साधु लेंदे जान सदा सच झूठ दी बोली एकदम लैण पछाण सदा सच झूठ दी बोली एकदम लैण पछाण सदा उंज किसे नाल नहीं ओ देना उंज किसे नाल नहीं ओ देना लैणा संता दा बैठी है महापुरखां दे दर उत्ते किसे चीज दी टोट नहीं रहिंदी जिन्ना जिन्ना मन लिया मैं भी इत्थे आके अरदास कीती सी कि मेरी बेटी नूं बाबा जी मैं थोड़ी होई हां ते मेरी बेटी नूं पुत्र दी दात बख्शियो मालक ने बड़ी बख्शिश कीती पुत्र दी दात मिली है इत्थे खड़ के अरदास कीती सी मैं एक करता सिंह साहब कह के खिमा दे जाग कोण है धन्यवाद है गुरु महाराज दे दर ते आईए ते महाराज कहिंदे किवें आउणा चाहीदा मैं यही कविता कह के खिमा दे जाज कोई नहीं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दी महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने उन्हां नूं बख्शिश कीती कि ए संसार दे उत्ते ब्रह्म ज्ञानी ने माता गंगा जी एक वारी जांदे ने ओह ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब दे दरबार दे उत्ते ते उत्थे शानो शौकत नाल जांदे ने जद घर आए दोबारा तो गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहन लगे गंगा जी तुहानू उत्थे बख्शिश हुई है तुसी महापुरखां दे दर ते गए जे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब दे कोल गए जे की उन्हां तुहानू पुत्र बख्शिया ते अखियां च नीर लिया के कहन लगी सके पातशाह कोई वचन नहीं होए महापुरखां नाल ते सतगुरु कहन लगे भी गए किवें सी कहिंदे महाराज सानू शौकत नाल गए रथां उत्ते चढ़ के गए दासियां नौकराणियां नाल लै के गए ते गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दीवान सज्जे सी ते संगत इसे तरह बैठी है महाराज कहन लगे गंगा इस तरह जाईदा है इस तरह नहीं जाईदा कहन लगे सच्चे पातशाह मैनूं पुत्र चाहीदा है पुत्रां दी लोड़ गुरुआं पीरां नूं पई कदे बेबे नानकी ने अरदास कीती मैनूं वीर चाहीदा है कदे माता गंगा जी ने अरदास कीती मैनूं पुत्र चाहीदा है इत्थे गुरुआं पीरां नूं पुत्रां दी लोड़ पई माता गंगा जी कहन लगे मेरे सतगुरु जी मैनूं दसो मैं किवें जावां ते किहड़े दर उत्ते जावां जिथों मेरी झोली भर जावे चल पे ने एसी ते पखे ना बोर्ड दियां छावां रहियां पुत कपुत हो गए लोको पर मावां ठंडियां छावां रहियां मां तां खूह विच जाल पाउंदी है पुत्रां करके पुत्र मिल जावे कदे कदे वेड़े दे विच बैठी कोई सुवाणी हुंदी सी मुख दे विचों पढ़दी बाणी हत्थां विच मधाणी हुंदी सी नहीं मिलदे हुण दुध ते मक्खण ना ओ मच्छियां गावां रहियां पुत कपुत हो गए लोको पर मावां ठंडियां छावां रहियां ताए चाचे दादी बाबा ताए चाचे दादी बाबा एक वेड़े छकदे प्रशादा हुण खून शपैत हो गया जी हुण कोई किसे दे कोल नहीं बैंदा ना सांझा भैण भरावां रहियां पुत कपुत हो गए लोको पर मावां ठंडियां छावां रहियां सच जाने मां दा रिश्ता नहीं जे बदलिया पर माता गंगा जी ने पुछिया गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी तख्त ते बैठे कह रहे ने गंगा जी ज
जाना किवें चाहिदा है महाराज दे दर ते मंगता नीवा हुंदा है ते देण वाला उच्चा हुंदा है कब तक कह के किवें इजाज कोणे कब तक कहण लगे बड़े प्यार नाल सुन करनी बोलो संत जी तुहानू वचन आ जावे नाल बोलना जाइए दंज लैन महात्मा तो चढ़ गए रथा ते मूल ना जाइदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है जाइए दान दे लैन महात्मा तो जाइए दान दे लैन महात्मा तो चढ़ के रथा ते मूल न जाइदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है हथी अपने चक्की बेस पीस आटा देकर पुत प्यारड़ा चाहिदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है चल के पंद मचाईदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है जदो मंगण वास्ते जाइए ते किवें जाना चाहिदा चल के पंद मचाईदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है सेवा कीती होई फेर परवान होवे पहला अपना आप गवाईदा है कुल ले कहीदा है सेवा कीती होई फेर पर
गंगा जी बचन सुन के बड़े खुश हुए। वाह गुरु घर के सेवक है धन धन बाबा प्यारा सिंह जी जेडे विदेश गए ने उन्हों का बेटा परमिंदर सिंह ते उन्होंने नूरानी बीबी बीबी परमदीप परमिंदर कौर बीबी राजविंदर कौर धन्यवाद है जी बेटा इंद्र नहीं बीबी राजविंदर कौर ते बेटे का नाम की है पर बेटी मनरीत कौर उन्होंने नाम तो 500 लाख दमड़ा अरदासा कराते हैं जी महाराज कृपा करे चढ़ती कला करे मेरा प्रयात रखे जिन्हें खजाना तो माया ये खजाने भरपूर करे महाराज बहुत बहुत धन्यवाद है जी एन आर आई वीर का और नगर वाले का बाबा जी उन्होंने भी धन्यवाद है तुम चेचे तौर पर हुक्म लाते जो गरीबों हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक हर नाम ही सुख मंडा है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग की रे हम थापे तुहाडे वर्गे संसार देते वसदे रहन पीढ़ी दर पीढ़ी वेलां वधिया रहन जिहड़े साडे वर्गे गरीबां नूं याद कर दिओ धन्नवाद सारी संगत दा महापुरखां दा धन धन बाबा बूटा सिंह जी आउण दा धन्नवाद है जिथे अस अमरादा पूरियां ने चकाओ सीस हाजर नाजरी महापुरखां नूं समझीए साडे विच ओह बरस रहे ने उहनां दीआं रहमतां अज साडे विच बरस रहीआं सदा बरसदीआं ने चकाओ गुरु ग्रंथ साहिब नूं सीस ते आओ प्यार विच सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी बलजीत कौर जी खालसा बाबे बकाले दी पावन धरती तो महान नगर तो आ रहे जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन सिमरन किया भगत की बाबा मक्खन शाह लवाणे ने प्रगट किया गुरु लाधो रे गुरु लाधो रे। इतिहास बड़ा लंबा है जियो आया बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी समुचे जथेदार। हुण भाई गुरदेव सिंह जी खानपुरी साहब केवल 5 मिनट वास्ते क्योंकि बंदा एक वा कमेंट तिना का करना इस करके एक कविता 5 मिनट पढ़नी है जी ख्याल रखना जी जियो आया तुहाडे कपड़े बड़े भेजे सी समा साडा ज्यादा हो गया पर समा तुहानू जरूर दिता 5 मिनट समाप्त करो जी। शरदा नाल जे रहे निशान लगा केड़ा कम जो उसका ना हो मगर भगतां दे फिरे भगवान भज्जा मगर वशरो जिस तरह गां होवे एक पल कवि मिंट नस तो जुदा है पुत नालों जिस तरह मां होवे पानी पाईए जिस बूटे नूं नेक दिल नाल ते क्यों ना ठंडी उहदी छां होवे। आओ सब तों पहिलां दासां दी ते अपनी हाजरी सतनाम चरणा चूला फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दा समाना मीह पाया परमेश्वर पाया जी जन सब सुखी वसाया क्योंकि 6 बजे तों लै के लगातार मीह जिहड़ा पै रिहा है दस दी शरदा बनी भावें मीह दे विच ही आउणा पिया जिव जिव हुकम तिवे तिवे कार क्योंकि वो मालक जी किसे दा जोर नहीं पता लगदा ना रब दे रंगां दा तू नेक कम कर बंदिया बाणी पढ़ लै तू मन चित ला के उस रब कोलों डर बंदिया क्योंकि उहदे रंगां दा कोई पता नहीं। आओ जिव जिव हुकम तिवे तिवे कार दुनिया नूं तारन लई जग ते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी जद जग ते पाप वधे धरती कूक पुकारा करदी पए मार बदोशियां नूं नजरी आवे ना कोई दर्दी दुख झले दुखियां लई नहीं कोई कर सकदा कुरबानी दुनिया नूं तारन लई जग ते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां ने बंदगी कीतियां हन कमाईयां कीतियां हन उन्हां दे जादां संसार ते मनाईयां जांदियां हन जिहड़ी पटके दी कुश्ती दी लास्ट विच हुंदी है। आओ जिहड़ी पटके कुश्ती हुण जा रही इस दस्सदी आओ महापुरखां नूं समर्पित कविता कहिण जा रहे हां दुनिया नूं तारन लई जग ते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी आओ तुझे कविता सुगन करो जी।
जद जगते पाप वधे धरती कूक पुकारा कर दी पै मार बदोशिया ना नजरी आवे ना कोई दर्दी पै मार बदोशिया ना नजरी आवे ना कोई दर्दी दुख चले दुखिया दुख चले दुखिया नहीं कोई कर सकता कुर्बानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी तन 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 चार पैसो चंद्रमा पावे सूरज चढ़न हजारा पावे सूरज चढ़न हजारा बाणी के गुरबाजा तोरन होना तोर गुबारा बाणी के गुरबाजा तोरन होना तोर गुबारा जग रोशन हो जावे ये जग रोशन हो जावे चढ़ के आवे जो तरहानी चढ़ के आवे जो तरहानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी कन कन तन 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 जग लंगन हाराए ये साधु वांग मलांगा तारन साधु वांग मलांगा तारन पाव जन तो दूर करे ये जद मेरे दचपू मारना पाव जन तो दूर करे ये जद मेरे दचपू मारना वेदा तो दूर बड़ी वेदा तो दूर बड़ी साधुआं दिए चर्ज कहानी साधुआं दिए चर्ज कहानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी दुनिया न तारन नहीं जगते आउंदे ब्रह्म ज्ञानी तन 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 एक नाम हरि दा रहो एक नाम हरि दा रहो जा फिर रहने उस दे प्यारे जा फिर रहने उस दे प्यारे जागरण बसेरा है कातों लम्मे पैर बसारे जागरण बसेरा है कातों लम्मे पैर बसारे
जगत आउंदे ब्रह्म ज्ञानी दुनिया नो तारन ले जगत आउंदे ब्रह्म ज्ञानी। गुरबाणी दा फरमान है कुदरत करके वसिया सोई वक्त विचारे सो बंदा हो नहीं हाजिर पवान करनी बहुत नौदी गुरमुख पुरा दी संगत का साढ़े सगत साहब जो कि अपनी मिसाल आप हैं कहते गए शोभा नहीं देखा ही प्रवान बोलता नहीं कई गलतियां कर गया होगा गुरु साहब गुरु सिंह बख्शन लिख के कदम छुट्टी है खिन खिन भुलन हार बख्शन हार बख्श लाए नानक पार उतार ये थोड़ी सी बहुत ही करके जान लेना देव सज्जन सीसरियां जहोवे सहि सुमेल बड़ा फतेह पा फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रवान हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरदेव सिंह जी खानपुर वाले जो बेगोवाल नड़ाले लागे पिछले साल आए मैं कि नहीं आ खानपुर वा पहला कहण आए एक तो पहला टाइम लिखाउण आए फिर दूसरे दिन आए। बहुत धन्यवाद वीर जी तुहाडा गुरु महाराज कृपा करे इस तरह तुसीं कौम की सेवा करते रहो सतगुरु महाराज कृपा करन चढ़दी कला दाद बख्श कर। समुची संगत वालों समुचे परिवारों वालों आईया संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जीव आया सब तो ज़्यादा धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जिन्ह ने सेवक परिवार को इस भागा समा बख्श किया है। सालाना जोड़ मेले में छे गुरु साहबान जी ने आ के दर्शन दिते हैं तो मातावान भैणा ने नौजवान बच्चों ने बड़े प्यार भज के जिते धन धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सरवण किया है उत्ते नाल ही सेवा की है क्योंकि मैं अक्सर यह बेनती करता हूं कि ये जो लाइव चलता है ये दुनिया के अज के प्रोग्राम लाइव हो रहे हैं। सरदार प्यारा सिंह जी बीबी गुरमीत कौर कनेडा वाले उन्होंने बरखदार बेटा सरदार पलविंदर सिंह जी जिन्होंने कहा कि सारा लाइव असी तकना है तो मेरे मन के ख्याल मैं अगे भी बेनती की कि भाजी प्यारा सिंह जी होनी इतों के मुख सेवादार हैं और इतने भाजी तारा सिंह जी बुढ़ा बोड़ साढ़े पास हैं तो इन्होंने सानू बेनती है कि आप जो पहला बेनती की लंगर हाल वास्ते शैड या जो लेंटर पाना है उसके वास्ते दोने बंद आप ड्यूटी ला दी संगत वालों सरदार तारा सिंह जी बाबा बोड़ तो सरदार प्यारा सिंह कनेडा वाले तो इन्होंने नाल सारा समुचे चट्ठा परिवार ने सहयोग देना भाई सरवण सिंह जी उन्हां सारा परिवार इस तरह भाई जगतार सिंह जी सरदार सोडर सिंह जी चट्ठा भाव के सारा परिवार सरदारां दा ये सारा परिवार चट्ठियां दा परिवार है इस करके इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करना बहुत बहुत धन्यवाद समुची संगत का। सरदार पलविंदर सिंह जी सन ऑफ सरदार प्यारा सिंह उन्हां वल्लों गुरद्वारा साहब के बिल्डिंग फंड वास्ते 1000 रुपए की सेवा हुई है तो 500 रुपया गुप्त सेवा हुई है। सो बेनती है कि सरदार प्यारा सिंह का कोई परिवार का मैंबर गुरु घर की बख्श सत्कार जो बाबा जी होना पासों प्राप्त करने की कृपालता कर। बोले सो निहाल नाल ही संगत बेनती है कि धन धन गुरु ग्रंथ साहब के महाराज स्वरूप जो अपने गुरद्वारा साहब विखे केवल 5 सतगुरों के स्वरूप हैं एक प्रकाश हों ते 4 स्वरूप अपने पास हैं 2 स्वरूप आप रांगड़े तो लिया गुरद्वारा साहब को जो गड्डी अपने पास पहुँच चुकी है तो गड्डी जो सड़क के उपर राह के उपर गड्डिया खड़िया हैं सारिया गड्डिया दोनों पासों आप इस गड्डी वास्ते बना है जिन्हां दीआं गड्डियां राह ते खड़ियां हन उस साइड ते करन दी कृपालता करन क्योंकि वड्डी गड्डी है पालकी साहब जो लुधियाणा तों आपां हर साल लिआउंदे आ। सो आप जी बेनती नूं प्रवान करन हुण प्रसाद वरताया जाएगा उस तों बाद सतगुरां दे स्वरूप गुरद्वारा साहिब रवानगी होणगे। सो आप जी बेनती नूं प्रवान करना जो तुहाडे चरणां विच बेनती कीती है उस वल सारी संगत ने बड़ा गौर करना तवज्जो करनी समुची संगत दा धन्नवाद सरदार प्यारा सिंह गिल्लां वाले उन्हां समुचे परिवार धन्नवाद
सरदार बलविंदर सिंह जी उन्हां दा धन्नवाद मैं जिहदे नां ना लिया गुस्सा ना करो सारे चिट्ठे परिवार का बहुत धन्नवाद तुहाडे चरणां विच विचारां करदे आ बहुत प्रकार दीआं त्रुटियां रहिंदियां गुरु खालसा साध संगत बख्श जोग अरदास बेनती करियो कि महाराज चढ़दी कला और तंदरुस्ती दात बख्श कर हुईआं भुल्लां गलतियां माफ करनियां आउण वाले समय की अड़ीक करांगे सतगुरु ने चाहिया तां फिर दर्शन करांगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का कोटन कोट धनवाद है जिन्होंने दर्शन नजारे बख्श किए हैं जो लाइव चलता इन मूवी वाले भीर धनवाद दुआबा साउंड नकोदर वाले फोरमैन का धनवाद जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह Thank you.
Close.
पाई देखी मोहरे खड़ गया बाबा खाओ खाओ ठंडी हो जानी करो गल्ला गल्ला करो चलो भाई ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ।